भी है, हासिल की भी है, क्योंकि उलमा हजरात भी हैं बैठा हुआ, उनके सामने मेरा जैसा एक अनपढ़ आदमी ना मौलवी कहूँ तो शायद उनको हुस्ने जाना या के है। तो अलबत्ता या एक कोशिश पहले भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन 2018 के बाद लगातार हुई। इसको बने गयो कि मैं शुरू में कुछ नज़म ले गया आ गयो इतने गोजरी शोभा के अंदर पेश की, और 2018 से पहले हूँ एक आर्ट कल्चर अकेडमी के अंदर भी नहीं तो आए हो। मेरा ये हम सफर मोहतरम नजीर नजार साहब जिन्होंने उनसे कुछ अपना तसरात भी पेश किया, तो इन्हें इन्हें नाल ले गया, इन्होंने इन्हें दस तो हम अंदर गयो और कुछ नज़म जेरी है वे दीती, और उस तो बाद वे हमारा रिसाला के अंदर आई हुई, उनको शुक्रिया अदा करूँ। उस तो बाद अब्दुल सलाम कोसी साहब ने मुलाकात हुई, तो उन्होंने क्यों भाई इसके ऊपर जो है बाकायदा तमाम लिखना चाहिए, कुछ अगर कम करना चाहिए मुख्तसर ही। और फिर कहते हैं किसी किसी के एक इशारे से किसी को क्या ना मिला, बशर को जिस्त मिली मौत को बहाना मिला। तो अमित बाहर निकल गया, फिर नजीर साहब ने क्योंकि भाई आपका कलाम जो है जाया हो जाएगा, लिहाजा इसको आप किसी न किसी शक्ल में इसको तरतीब देने की कोशिश करो। तो वक्तन फक्तन पहले तो आपने नहीं लिखते रहो, लिहाजा इस सिलसिला में बीच पे पहले मैं कंपोजिंग भी आपे की, लेकिन वह कंपोजिंग की सवाल ही थी वे मनान साहब जाने। उस तो बाद फिर इसी तरह मैदान में आ गया चलता चलता, फिर फर्दन फर्दन मोहतरम जंगी रस्कत साहब ना भी रबतो रहे मेरे। उस तो बाद जो है अगे पीछे जितना भी मारा शूरा हजरात हैं वगैरह, चौहान साहब वगैरह ना भी, गुलाम सरोज चौहान साहब वगैरह ना भी रहो, तो फिर मेरा मुस्तकिल उस्ताद इसके अंदर रहा हमारा मोहतरम अब्दुल गनी आरिफ साहब, ये मेरा मुस्तकिल मुस्तनद उस्ताद समझो इन्हें ना। तो इन्होंने जरिए बड़ी रहबरी की, बड़ी रहनुमाई की, और इस उम्र के पीछे जो है और फिर फोन के ऊपर भी मसलन एक मेहनत करने, उनको तह दिल तुम बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करूँ। तो दूसरी यह चीज है कि जो एक कुछ एक छोटी मोटी कोशिश है, कोई उतनी कोई बड़ी बात चीज नहीं है, असल में तो कम था उन्होंने लोगों ने की, जैसे इकबाल अजीम साहब हैं या जी दूसरा दूसरा उनका हम सफर है, वक्त काटे हूँ सारा ना नहीं ले सकते, जरा पैदल भी चले था जरा तू दे हिंदुस्तान की दूजी लाइब्रेरी के तक ही दौड़िया। तो आज हमारे सामने काम करना आसान है, लेकिन हमने काम करना चाहिए। और एक चीज की कमी वाई है कि मुस्तकिल मैदान नहीं, इनफरादी काम बहुत हो रहे हैं, हमारी रोदारी कौम पहले अखबार निकली वगैरह वगैरह, आगे पीछे महाराज जी रहे अपना सोशल मीडिया पर भी काफी कम हो रहा है, लेकिन मुस्तकिल एक इदारों जो सीखन सखाण हो काम करे, ऐसा नहीं। इनफरादी कोशिश बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक ना दाद दू, अलबत् कुछ कुछ चीजों की कमी है, लिहाजा उन्होंने पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीका मैं आज करूँ कि गोजरी का ही साइट आज तक मौजूद नहीं है, गोजरी खास खास कर गोजरी नाम के ऊपर, गोजरी लिटरेचर के ऊपर। अलबत् मैं कोशिश की मैं ब्लॉग साइट एक बनाई गोजरी लिटरेचर ब्लॉग पोस्ट .com, लिहाजा ये या एक छोटी मोटी कोशिश अलबत् एक मुस्तकिल के लिए वह होनी चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा छोटे जो इशारों करूँ कि रस्मुल खत के ऊपर भी हम उसमें मुतफिक नहीं, असल में उसमें एक चीज आवे कि हम उसमें लबो लहजा अपना अपना भी खींचने लापा, हम ना उसके बीच मेहनत लगे, सिर्फ जरूरत है एक हमारे को एक कारी होना चाहिए अरबी हो, एक फारसी वालो आदमी होना चाहिए, एक उर्दू वाला वो आदमी होना चाहिए जो उर्दू की बुनियाद, क्योंकि उर्दू में ही बेशक बुनियादी तौर उन्होंने कई कमी नहीं छोड़ी, लिहाजा अले भी हमें नहीं पता कि अलामत कितने हैं, हरूफ कितना है, हरूफ तहजीब कुल तादाद कितनी है, हम उस तो नाचना उन्होंने चीजा ना कर गए वो एक मुस्तकिल रस्म खत लबो लहजो, फिर अपना कोई उसने किस तरह पढ़ा किस तरह पढ़ा वो है। और एक लैंग्वेज के बीच अगर मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनको एक मानी है और वह लैंग्वेज की डिवेलपमेंट है, उसमें मसलन जबान के अंदर कमी नहीं किया जाता बल्कि इजाफा हो किया जाए, तो खैर ये गल लंबी हो जाएंगी। तो लिहाजा यो है मोहतरम मियां अल्ताफ साहब तो ले गए, बाकी तो उलमाई ग्राम में हमारा बड़ा बड़ा छोटा सब ना हो तय दिल तो शुक्र भी अदा करूँ। ते आखिर मैं यही दुआ करूँ कली की या लखाई कर कबूल या इलाई, बच्चा बच्चा भी करें पढ़ाई उन्हें वास्ते बने दवाई, शायरों को बने ध्यान खुला एक नमो मैदान, लब तो रह मीना सवाब करे दूर रब अजाब। शुक्रिया थारा सारा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत। काफी वक्त हो भी गया है और हुक्म भी है कि तकरीब ना और मुख्तसर करूं।